तो काफी हाइट पे पहुंच चुका हूँ और देखिए नजारा पहाड़ों का, क्या बात है। और ये तिमांग नाम की जगह है जो अभी मैं खड़ा हूँ। ठहर जा रहा हूँ। ये तो होना था भाई, यहाँ रोड सी ऐसी है। कोई नहीं कोई नहीं, वेट कर वेट कर, अब अपनी बारी है। एक्चुअली वो बाइक को बीच में से निकाल रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर है, इसको यहाँ से निकालनी चाहिए थी। तो 9:30 बजे राइड स्टार्ट की थी आई थिंक, तो 23 किलोमीटर ही आए हैं अभी हम, 23 या 24 किलोमीटर, तो 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे में 23.5 किलोमीटर कवर किए हैं बस हमने। सच बोलूँ तो इस ट्रैक ने ना मुझे डरा दिया है, इतना ख़तरनाक ट्रैक है ये। फैमिली याद आ गई मुझे अपनी, सच बता रहा हूँ। एक तरफ खाई है और एक तरफ देख लो क्या है, इतना बुरा हाल है इस ट्रैक का। मैं सोच रहा हूँ जा तो रहे हैं हम, आएंगे कैसे। इधर से निकलते हैं, वो ज़्यादा रिस्की है, उधर हल्का सा भी कुछ हुआ सीधा नीचे। हे भाई मनांग मत आना कभी भी, ये कहना चाहूँगा मैं, सच में कह रहा हूँ। कोई ये नहीं कि आप आकर यहाँ पे बहादुरी दिखाएं, लेकिन ये इतना सेफ ट्रैक नहीं है। वॉक करने के लिए ठीक है, ये बाइक के ऊपर तो यार या तो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मैं राइड करता रहता हूँ इसलिए अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे। तो पीछे का नज़ारा देख रहे हैं, और इस नज़ारे के साथ यार ये समोसा मिल जाए ना गर्मा गर्म, थोड़ा ठंडा हो गया इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है, बात ही अलग है। ये कुदो नाम की जगह है, मनांग यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया, और जो ये 30 किलोमीटर किए हैं ना सच में मुझे ही पता है, और जो यहाँ आएगा जो यहाँ आ चुका है उसको पता होगा। सच में बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये, कहने वाले कि मोटरसाइकिल वाले के लिए भी और वॉक करने वाले के लिए भी। तो 2 समोसे और 1 ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद काफ़ी एनर्जी आ गई है, और अब आगे के 30 किलोमीटर और पूरे करने हैं। बीच बीच में आपको वैसे नज़ारे मिलते रहेंगे वाटरफॉल के। व्हाट अ ब्यूटी यार, क्या चीज़ है यार, ये तो मैं जस्ट पेंटिंग्स में देखा करता था जब मैं छोटा होता था। बाय गॉड आज रियलिटी में, रियल में देखने को मिल रहा है, क्या बात है। और ये कुदो गांव है, कुदो। अरे यार ये कहाँ आ रहा है मेरे पास, मेरा तो मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं बस जाऊं सच में। ओहो काफ़ी डेंजरस रास्ता। तो इस जगह का नाम है कुतो, यहाँ पे आपका परमिट चेक होगा। ओ भाई ये क्या है, चलो जो भी अब देखते हैं। निकल जा, निकल गया भाई। ओह ये तो भाई सांस रुकवा देती है ऐसी जगह। ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं तो निकल गया। शहबाज भाई आ रहे हैं, अब देखते हैं इसको। गुड, तोते उड़ गए सच बता रहा हूँ। बहुत रिस्की,
इस एरिया में बहुत ज़्यादा सैंड है और बाइक बहुत ज़्यादा भारी थी मेरी, तो ब्रेक ठोक के ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी जो स्किड कर रही थी बाइक, तो मुझे मजबूरन वहीं फेंकनी पड़ी बाइक। और काफ़ी एडवेंचर्स भरा और ये अपनी बाइक लोड पूरे सामान के साथ, हो तो गिरना ही था, इतना सामान होगा तो कौन संभाल पाएगा इसको। लो जी हो गया, ये तो लोग इस पर ट्रैक कर रहे हैं और हम बाइक चला रहे हैं, बताओ। ये भी देख रहे हैं, तो ये इसमें से निकलना है अब। बाय गुड, क्या नज़ारे हैं मनांग के, मनांग तक जाने के। ओ भाई, यहाँ जब बर्फ पड़ती होगी तो क्या ही सीन होता होगा। ओ तेरी, ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए उसको बैकअप के लिए रख लिया है, क्योंकि यहाँ स्किड कर गई थी शहबाज भाई की बाइक और पहला गियर अपन ने डाल दिया। अब ये लो, बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्रैक था ये, साइड पे लगाता हूँ। सही गाइड किया ना, ये ट्रैक वालों का रास्ता है, वो अपना ब्रिज बना है पर पानी देखो कितना आ रहा है ऊपर का, तो सिस्टम ही अलग है भाई। एक बार व्यू दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पहाड़ होगा देखो इतना गिर पड़ने के बाद, देखो क्या चीज़ आई है। हाँ पानी पियो, हाँ इधर लगा देता हूँ। ये तो पूरी नदी आ गई। ओ भाई बूट गीले होंगे। चलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सामने देख रहे हो माउंट एवरेस्ट।
तो नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही ऊंचा पहाड़ जिस पे इतनी बर्फ गिरी हुई है यार, और कितनी ठंड होगी यार, अभी से हाथ जमने लग गए हैं। ऑफ रोडिंग नहीं ख़त्म हो रही यार, अब जस्ट मेरे ख्याल से 12-13 किलोमीटर रह गया है अपना मनांग। ये जो देख रहे हैं ना वाटरफॉल, ये जम रखा है और वहाँ पे भी जमा हुआ है। देख रहे हो गाइस नज़ारा, कितने क्लोज पहुंच चुके हैं पहाड़ों के, और इतनी ठंड पड़ चुकी है ना, हाथ भी सुन्न हो गए अब तो। लक्कड़ का पुल, तो जब मनांग सिर्फ 3-4 किलोमीटर रह जाएगा तो ये वाला रोड, दो रोड नजर आएंगे, ये नीचे वाले रोड की तरफ जाना है, ये ऊपर पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये लोकल थे जिनसे मैंने पूछा, कितना कितने की दूर रह गया मनांग, कितनी दूर रह गया? 15 मिनट में, 2-3 किलोमीटर ही होगा फिर तो। हम पैदल आए। अच्छा, तो फाइनली देखिए गाइस कितना प्यारा व्यू है, और ये लक्कड़ का पुल पहुंच ही गए हैं लगभग मनांग। अब बाइक चढ़ानी है सिर्फ। ओहो, मनांग तो एंड तक नहीं छोड़ रहा यार चढ़ाई और ऑफ रोडिंग। तो रहा तो गाइस वो रहा मनांग ये, और यहां से आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये जो एरो बना हुआ ना गाइस इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, वो है खंगसर और इधर मनांग। जो तो मनांग में स्वागत है आप सबका और मेरा भी। ये ओहो, गेट डालने भूल गया। तो ये मनांग का पहला होटल नजर आ रहा है। ओहो क्या बात है, मनांग के अंदर का एरिया देख लीजिए पहले आप। तो ये है मनांग जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या बात है, नीलगिरी होटल। तो फाइनली मनांग में मैं पहुँच चुका हूँ, पीछे बाइक्स लग चुकी हैं, और सुबह चले थे 9:30 बजे और यहाँ पहुँचने में आई थिंक 5 बज गए। सिर्फ 60 किलोमीटर का सफ़र करने में देख लो 9 से 5 की ड्यूटी होगी सरकारी, और सब ये हैरान हो रहे हैं कि जो ट्रैक करने वाला रास्ता है उस पर आप बाइक चला कर आ रहे हैं। तो यहाँ सारे हैरी पॉटर ही भरे हुए हैं, मतलब सारे फॉरेनर्स ही मिलेंगे आपको। काफ़ी अच्छे पीछे का व्यू देख रहे हैं गाइस, इतनी ठंड है ना कि कपड़े भी नहीं उतारे, इसी में चल रही है। तो ये आज का हमारा एकोमोडेशन है गाइस, ये 2 बेड लग रखे हैं, ये रहा सामान, दिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, और ये है वॉशरूम। तो मनांग में ये स्टे रहेगी हमारी इस होटल में, बाकी कल के लिए क्या प्लान है वो कल ही पता लगेंगे। शायद हम खांगसर जाएं, जो कि मनांग से खांगसर है, और शायद 1 घंटे का रास्ता यहाँ से, और 19 से 20 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है मनांग टू खांगसर। ये जो मनांग वाला राइड था या मनांग वाला व्लॉग ले लीजिए, बहुत बड़ा हो गया होगा, लेकिन डिटेल में आपको चीज़ मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कुछ शॉर्ट शॉर्ट करके यार छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखा दूँ, मनांग के पूरे रास्ते दिखाने चाहिए आपको, मुझे लगता है कि अगर आप आना चाहें कभी। और व्यू तो आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, और जो नए आए हैं इस चैनल पे जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आगे भी बहुत धांसू ब्लॉग आने वाले हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे आप कल एक नई राइड पे नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। Look at
जाएगा, 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 जाएगा।